आठवें दिन भी सलमान खान की बॉक्स ऑफिस पर दहार रही बरकरार। जानिए भारत फिल्म का अब तक का शानदार कलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफएसटार न्यूज। सलमान खान की बाढ़ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ईद के दिन यानी कि 5 जून को रिलीज हुई थी और ये फिल्मों को मोस्टली पॉजिटिव रिव्यू मिला था। लेकिन कई सारे लोगों ने ये फिल्मों को लेकर नेगेटिव रिव्यू भी दिए थे, लेकिन नेगेटिव रिव्यू भारत फिल्म के कलेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं दे रहे। यह फिल्म दिन ब दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कमाई कर रही है। आपको बता दूं कि ये फिल्म सिर्फ 7 दिन में बॉक्स ऑफिस पर 167.6 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और भारत फिल्म के लिए 8वां दिन भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार रहा है। और ये सब सलमान खान के स्टारडम के वजह से हो रहा है। जहां ट्रेड एक्सपर्ट के अनुसार ये फिल्म 8वें दिन 8 करोड़ जितना कलेक्शन किया है और इसी के साथ ये फिल्म 8 दिन में 175 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लेती है। जो अगर ऐसा ही कलेक्शन चलता रहा तो ये फिल्म इस वीक के आखिरी तक 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। बात करें ये फिल्म की, तो ये फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटानी, कटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, तब्बू जैसे कई सारे कलाकार है और ये फिल्म को डायरेक्शन दिया है अली अब्बा जफर ने और ये फिल्म को प्रोड्यूस किया है अतुल अग्निहोत्री ने। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे बाढ़ फिल्म के कलेक्शन को लेकर और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज़ पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफएसटार न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें।